हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले, हम लोग नहीं मैं बोलूंगा और आप लोग सुनोगे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने जो इवो गन के क्रिएट्स है ना, जो बॉक्सेस है, वो आप लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर कब देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया सर्वर के ऊपर जो इवो गन के बॉक्सेस है वो काफी समय हो गया, मतलब आ ही नहीं रहे। तो कब आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका कन्फर्म डेट आप लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छा, इतना ही नहीं गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। जैसे कि गाइज, आप लोगों को अपने गेम के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं बहुत सारे न्यू इमोट्स। तो गाइज, पहला वाला जो इमोट है वो आप लोग देख सकते हो। तो गाइज, आप लोगों ने साउंड के साथ इमोट को देखा, तो कैसा लगा आप लोगों को इमोट मुझे बताना। इसका साउंड आप लोगों को सुनाना जरूरी था, क्योंकि गाइज ये अपना रहने वाला है रनिंग इमोट। मतलब इस इमोट को करते करते आप लोग जॉयस्टिक से अपना जो कैरेक्टर है उसको आगे भी ले जा सकते हो। तो काफी रनिंग इमोट अपने गेम के ऊपर आ चुके हैं, मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो रन दो फिर। तो गाइज, ये जो रेंडियर फ्लोट इमोट है ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अपना विंटरलैंड इवेंट जब स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को टॉप ऑफ इवेंट के अंदर या फिर किसी भी इवेंट के अंदर, फेडरविल के अंदर भी मिल सकता है। तो आप लोगों को इमोट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में आता है गाइज अपना बाम्बू डांस। तो इसमें गाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी अपनी बहुत ही प्यारी एंड क्यूट किट्टी। तो गाइज, ये इमोट मुझे सभी इमोट से सबसे बेस्ट लगा एंड सबसे क्यूट इमोट ये वाला मेरे को लगा। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो जो कैरेक्टर है वो आप लोगों का यहाँ पर डांस करेगा किटी के साथ। तो गाइस, पर्सनली बताओ तो मुझे सभी इमोट से ये वाला जो इमोट है वो काफी पसंद आया। आप लोगों को कौन सा पसंद आता है आप लोग मुझे बताना। बात करें यहां पर थर्ड इमोट की, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यम इमोट। यम मतलब यम है हम, वो वाला यम नहीं। यहां पर आप लोगों को जो कैरेक्टर है वो टेबल के ऊपर चिकन खाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो गाइस, ये जो यम इमोट है ये आप लोगों को हो सकता है कि टॉप ऑफ इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसे जो इमोट होते हैं फालतू के वो आप लोगों को या तो टॉप ऑफ इवेंट के अंदर या तो आप लोगों को फेडरबिल के ऊपर या फिर आप लोगों को जो मोको है उसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। इसके चांसेस मेरे को लगता है कि आप लोगों को टॉप ऑफ इवेंट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ये जो यम इमोट है वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ये भी कमेंट में बताना। उसके बाद में आता है गाइस अपना फोर्थ इमोट, वो है गाइस अपना हैप्पी डांसिंग। गाइस, ये डांस किस तरह से कर रहा है आप लोग देख सकते हो। मेरे को तो लगता है भाई ये मतलब पी के आया है, टूल होके आया पूरा का पूरा। तो मेरे को तो ये पागल इमोट लग रहा है भाई, हैप्पी डांसिंग किस तरह से आप लोग इसको बोल सकते हो। तो मुझे ये इमोट इतना कुछ खास नहीं लगा, बकवास इमोट है, तो इसका नाम रहेगा हैप्पी डांसिंग। उसके बाद में फिफ्थ इमोट की हम लोग बात करें तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जगल। तो जगल इस इमोट का नाम रहने वाला है। ये इमोट में गाइज आप लोगों को सर्कस में जो जोकर वगैरह होते हैं ना वो कैसे बॉल घुमाते हैं, लेकिन गाइज इस बंदी ने सर्कस में कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, इसी वजह से इसको मतलब ढंग से इमोट करना भी नहीं आता। क्योंकि आप लोग देख सकते हो इमोट उछाल रही है फिर उसी के ऊपर वो सारे बॉल्स गिरते हैं। तो ये जो जगल इमोट है ये भी आप लोगों को अपने गेम के ऊपर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं नेक्स्ट इमोट। तो गाइस, ये जो इमोट है इसका नाम रहेगा नियॉन साइन। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये इमोट भी मुझे काफी पसंद आया। तो गाइस, ये इमोट भी मुझे काफी पसंद आया आप लोग देख सकते हो। इसका जो मतलब हलचल है ना, जो इमोट करने का इसका जो तरीका है ना, वही मुझे काफी पसंद आया आप लोग देख सकते हो। इसके आप लोगों को हाथ के ऊपर एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को मतलब ऐसा बॉडीगार्ड जैसे दो हाथ देखने को मिलेंगे। तो पर्सनली गाइज, मुझे ये वाला इमोट भी काफी पसंद आया। इसके गाइज यहाँ पर चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि जनवरी मंथ में आप लोगों को जो बुया पास देखने को मिलेगा उसके अंदर ये वाला इमोट आ सकता है। अभी गाइज मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बता रहा, पॉसिबल है कि आप लोगों को देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आप लोगों को अदर इवेंट के ऊपर भी देखने को मिले। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये अपना रहने वाला है नियॉन साइन इमोट। उसके बाद में गाइज आप लोगों को लास्ट इमोट देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्लैप डांस। तो ये मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, जो बंदी है वो ऐसे ऊपर हाथ करती है और क्लैप करती है, तालियां बजाती है। तो ये इमोट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, सिंपल इमोट है, तो शायद आप लोगों को फ्री में भी मिल सकता है। तो गाइस, कैसे लगे आप लोगों को सारे इमोट आप लोग मुझे कमेंट में बताना, एंड सबसे बेस्ट इमोट आप लोगों को इनमें से कौन सा लगा ये भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। नहीं 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 अब गाइज, मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बोला था कि फ्री फायर आप लोगों का एक म्यूजिक बैंड के साथ कोलाब्रेशन है वो करने वाला है, जिसका नाम है कार्लास ड्रीम। तो गाइज, उसका एक जो बंडल है वो मेरे हाथ लगा है, आप लोग देख सकते हो मेल बंडल रहने वाला है। तो इतना कुछ मतलब खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक बंडल है। तो आप लोग देख सकते हो ये बंडल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, बंडल आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अब गाइज, बंडल की बात छिड़ी चुकी है तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने कुछ अपकमिंग न्यू बंडल जो कि आप लोगों को अपने गेम के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज, फर्स्ट वाला बंडल आप लोग देख सकते हो, भैया
एकदम मतलब इसकी बराबरी कोई बंडल नहीं कर सकता। आप लोग देख सकते हो भैया इसकी जो कैप है ना वो लग रही है भाई सीजन 2 जैसी। एंड गाइज इसके जो जैकेट के ऊपर से जो फायर निकलता है ना वो गाइज मुझे मतलब मेरा दिल जीत लिया यार। ऐसा बंडल कमाल का बंडल गरेना वाले अगर हल्के इवेंट में देते हैं ना, मतलब कम डायमंड वाले इवेंट में देते हैं ना, तो यार मैं तो जरूर इसको निकालूंगा। आप लोग देख सकते हो भैया पहली नजर में इस बंडल ने मेरे को इतना मतलब ये क्या बोलूं मैं भाई, मेरे पास शब्द नहीं है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो काफी कमाल का आप लोगों को एक बंडल देखने को मिलेगा। इसका गाइज अभी नाम मुझे पता नहीं है लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे फायर बंडल। तो गाइज इसका हेट एंड गाइज इसका जो मतलब जैकेट के ऊपर से जो फायर निकलता है ना वो मुझे काफी पसंद आया। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे पास ऐसा कोई भी बंडल नहीं है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये फेडरविल के ऊपर देखने को मिलता है तो ये यार मैं 200% इस बंडल को तो निकालने ही वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो भैया मतलब कितना खतरनाक एंड कितना लेजेंडरी बंडल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो यार मुझे तो पर्सनली काफी 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 अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद में यहां पर आप लोगों को एक ऑरेंज बंडल देखने को मिल जाता है। तो ये मतलब इतना कुछ खास नहीं है, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते वैसा ये मेरे को बंडल लग रहा है। एंड गाइस अपना जो क्या बोलते हैं वो राफेल कैरेक्टर है ना, राफेल नहीं सॉरी वो क्या बोलते हैं वो बुढ़ा है लेकिन लड़कियों के साथ करता है, वो क्या है कैरेक्टर का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो उसका बंडल इसका ही सेम टू सेम इसका बंडल के जैसा ही मेरे को लगता है। तो ये मतलब इतना कुछ खास नहीं है, ऑरेंज बंडल आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। बढ़ लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बंडल के ऊपर। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को एक ब्लैक बंडल देखने को मिलेगा। लेकिन यार एक सेकेंड, आप लोग देख सकते हो इस बंडल के जैकेट के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा व्हाइट टी शर्ट जो अपने गेम पर अभी तक आया नहीं है। तो यार अगर आप लोग ये बंडल निकाल लोगे ना तो आप लोगों का काम बन जाएगा, आप लोगों को व्हाइट टी शर्ट भी मिल जाएगा एंड ये बंडल भी मिल जाएगा। अच्छा भाई मजाक कर रहा हूँ, व्हाइट टी शर्ट नहीं है वो, उसके नीचे मतलब हम लोग पहनते हैं ना जैसे रेगुलर लाइफ में वैसे गाइज आप लोगों को एक बंडल देखने को मिलेगा। तो इसका भी अभी कुछ नाम निकल कर नहीं आया है तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक बंडल। तो गाइज आप लोग देख सकते हो इसके नीचे में आप लोगों को व्हाइट टी शर्ट देखने को मिलेगी। तो व्हाइट टी शर्ट नहीं है, व्हाइट टी शर्ट आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी। उसके बारे में मुझे अगर कुछ कन्फर्म इवेंट या अपडेट पता चलती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोग ये बंडल देख सकते हो, इसका आप लोग लुफ्त उठा सकते हो। तो गाइज ये बंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द अपने फेडरविल के ऊपर। उसके बाद का मैं आप लोगों को बंडल दिखाऊं तो ये सिंपल बंडल है, व्हाइट एंड ग्रीन कलर का आप लोगों को कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल बंडल है, शायद आप लोगों को फ्री में भी मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का एक सिंपल बंडल भी निकल कर आ रहा है। तो ये मेरे को इतना मतलब टट्टी लगा, एकदम अच्छा भी नहीं लगा बुरा भी नहीं लगा टट्टी लगा, ठीक है। तो गाइस ये बंडल मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। बाकी आप लोग इस बंडल के लिए क्या मानते हो कि आप लोगों को कौन सा इवेंट में मिलेगा? अगर गोल्ड रॉयल के ऊपर मिल जाता है ना तो भी भाई मैं समझूंगा कि यार इतना घटिया बंडल गोल्ड रॉयल के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। आप लोग देख सकते हो इतना घटिया बंडल एंड इतना बकवास बंडल है जो कि गाइस मुझे देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। बढ़ लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बंडल के ऊपर। तो यहाँ पर भी गाइस आप लोगों को ब्लैक बंडल देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस जो पहले मैंने आप लोगों को ब्लैक बंडल दिखाया था ना उसके गाइस हेयर मेरे को पसंद नहीं आए थे। लेकिन गाइस इसका हेयर स्टाइल आप लोग देख सकते हो भैया काफी सेक्सी लग रहा है। तो ये जो मतलब बंडल है ना उसके हेयर स्टाइल मुझे काफी अच्छे लगे। एंड बात करें इसके टॉप की तो गाइस टॉप भी काफी अच्छा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो लुक वाइज आप लोगों को इस टाइप का जो बंडल है वो देखने को मिलेगा। तो पर्सनली गाइस दोनों जो ब्लैक बंडल है वो मुझे काफी अच्छे लगे। एंड भैया जो फर्स्ट वाले बंडल है उसकी तो बात ही अलग है। अगर गाइस वो वाला बंडल फेडरविल के ऊपर आता है ना तो मैं आप लोगों को 100% क्या आप लोगों को 1000% यहां पर गारंटी देता हूं कि मैं तो उसको 100% निकाल 100% नहीं 1000% निकालूगा ही। तो गाइस आप लोगों को वो जो बंडल है वो कैसा लगा मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूं। भाई मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला बंडल, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। फ्री फायर के अंदर पहली बार मुझे ऐसा कुछ बंडल मिला है जो कि गाइस एक ही नजर में मुझे भाग गया। गाइस आप लोग देख सकते हो ये बंडल मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी गाइस आप लोगों को ये वाला बंडल है वो कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो गाइस ये बंडल आप लोगों को किसी इवेंट के अंदर या फिर आप लोगों को मतलब मिल सकता है, कोई भी इवेंट इसका आएगा जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा इवेंट। लेकिन यार आप लोग दुआ करो कि फेडरविल के ऊपर आ जाए, फेडरविल के ऊपर आ जाए तो हम लोगों का काम ही बन जाएगा। तो मैंने आप लोगों को जो सारे बंडल दिखाए उनमें से आप लोगों को सबसे बेस्ट बंडल कौन सा लगा मेरा तो आप लोगों को पता लग गया होगा। लेकिन आप लोगों को कौन सा पसंद आया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइस यहां पर आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले अपने गेप के ऊपर आप लोगों को एक पोस्टर देखने को मिला था जिसमें गाइस यहां पर लिखा हुआ था कि भैया आप लोगों का इसका जो मतलब
सब सारी आइटम्स है ना, उसका एंड होने वाला है। एंडिंग सुन करके आप लोगों को एक पोस्टर देखने को मिला था जो जेक्स बेलविन ऐसा कुछ मतलब आइटम का नाम था, जो ऐसा इवेंट भी आया था आप लोगों को लक रॉयल के ऊपर। हाँ, लक रॉयल के ऊपर ये सारे जो आइटम्स है वो देखने को मिले थे, जहां पर आप लोगों को कुछ बंडल, पेट की स्किन एंड आप लोगों को और भी काफी सारे लूट बॉक्स वगैरह, बैकपैक वगैरह, हेट वगैरह आप लोगों को मिली थी। तो गाइज ये जो जेक्स बेलविन जो आइटम्स है ना, वो आप लोगों की कल स्टोर के ऊपर से रिमूव हो जाएगी। सो अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो अभी परचेस कर सकते हो। आप लोगों को इसमें से कोई भी टॉप, बॉटम या फिर पेट की स्किन कुछ भी पसंद आता है तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। कल आप लोग परचेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये स्टोर से ही हट जाएगी जैसे अपना नेक्स्ट मैप हट गया। तो गाइज आप लोग सोच रहे होगे कि भैया गरेना वाले इसको क्यों निकाल रहे, भाई खामखा स्टोर के ऊपर से निकाल रहे, इसका क्या फायदा? तो गाइज फायदा है क्योंकि गाइज आप लोगों को यहाँ पर ये जो सारी आइटम्स हट जाएगी ना, उसके बाद में आप लोगों को स्टोर रिवेम देखने को मिलेगा। मतलब गाइज ये आइटम हट जाएगी, उसकी जगह पर आप लोगों को कुछ न्यू बंडल, कुछ न्यू आइटम्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गाइज ये जो स्टोर की अपडेट है वो हो सकता है कि एक हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को गेम के ऊपर देखने को मिल जाए। अगर गाइज एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता तो फिर गाइज आप लोगों को यहाँ पर चांस निकल कर आ रहे कि 1 जनवरी को आप लोगों का जो स्टोर रिवेम्प है वो होने वाला है। एंड गाइज इसमें आप लोगों के जो इवोगन के टोकन है वो भी एड हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप लोगों की जो इवोगन के क्रिएट्स है ना, वो गिफ्ट स्टोर के ऊपर आप लोगों को 1 जनवरी को मिल सकते हैं। अभी गाइज मैं आप लोगों को पूरा कन्फर्म नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसके 50% क्या गाइज ऑलमोस्ट 90% चांसेस यहां पर बनते हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को यहां पर जो सारा स्टोर रिवैम्प देखने को मिलेगा, आप लोगों को कुछ आइटम ऐड होगी, कुछ आइटम को रिमूव किया जाएगा एंड आप लोगों को यहां पर जो मतलब पूरा स्टोर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो गाइस वो होने वाला है अपना 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को गाइस यहां पर चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि कुछ आइटम अगर आप लोगों की न्यू ऐड होती है, आप लोगों को मैजिक क्यूब के अंदर भी न्यू बंडल देखने को मिलेंगे, गन के न्यू क्रिएट भी देखने को मिलेंगे, कुछ बंडल आप लोगों को न्यू देखने को मिलेंगे, कुछ इमोट आप लोगों को न्यू देखने मिलेंगे। वैसे गाइस सारे जो मतलब आप लोगों को स्टोर के ऊपर देखने को मिलता है ना, जो मतलब कचरा, वो सारे कचरे में आप लोगों को न्यू मतलब कचरा देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि अपने जो इवोगन के क्रिएट्स है, मतलब जो उसके बॉक्सेस है, वो भी आप लोगों को शायद गिफ्ट स्टोर के ऊपर अवेलेबल हो सकते हैं। अगर गाइज आप लोगों को जो बॉक्सेस है वो गिफ्ट स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं होते तो गाइज आप लोगों के जो इवोगन के टोकन है ना, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, टोकन बॉक्सेस नहीं बता रहा, टोकन आप लोगों को मिल सकते हैं। तो गाइज एक टोकन को आप लोग 10 डायमंड सेंड कर सकते हो अपने किसी भी आईडी के ऊपर। तो या तो गाइज आप लोगों को बॉक्सेस देखने को मिल सकते हैं गिफ्ट स्टोर के ऊपर, या फिर गाइज आप लोगों को जो इवोगन के टोकन है ना वो आप लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इसका जो पॉसिबल डेट है वो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 1 जनवरी को आप लोगों की जो स्टोर रिवैम्प होने वाला है, तो उसमें गाइस शायद आप लोगों की जो इवोगन के टोकन है वो आप लोगों को गिफ्ट स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाए। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर से प्रेस कर देना एंड गाइस अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो 4K टच करने वाली है। तो फटाफट से शेयर करना और अपने दोस्तों को बोलना कि भाई ये जो बंदा है वो डेली फ्री फायर के न्यू इवेंट के बारे में हम लोगों को बताता है। तो यार प्लीज एक शेयर कर देना आप लोगों का, मतलब एक लाइक एंड एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट फील कराता है। तो यार प्लीज इतना छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस कर देना एंड एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो बस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो बस गाइस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।